गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो आइए क्लास की शुरुआत हम करते हैं। तो आज हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे उपनिषद को। कल हमें कनिल शुरू करना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन जो है मैं कर नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरा नोट्स जो है ऑलरेडी स्कैंड है, बट स्कैंड था नहीं। तो आज मैंने जो है बहुत मेहनत से जुगाड़ करके जो है सुबह उठते उठते पहले यही काम किया कि मैंने अपने नोट्स को स्कैन कर लिया। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम उपनिषद का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने अपने नोट्स में बनाया था, तो आपको भी बता देता हूँ। देखिए यूनिट टू जो है इसमें उपनिषद की बात करते हैं, योग वशिष्ठ की बात करते हैं और श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी बात करते हैं उपनिषद की। तो ये जो है श्रुति के अंतर्गत आता है। देखिए दो साहित्य है हमारे वेदों में, एक को कहते हैं श्रुति और एक को कहते हैं स्मृति। तो श्रुति जो होता है वह सुनने की परंपरा से आया है, श्रुति मतलब सुनना, तो सुन करके वो जो है चलता आया है, समझ गया ना, तो इसलिए बोलते हैं श्रुति। और स्मृति क्या है, वो मेमोरी से आया है, मेमोरी से डेवलप हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं स्मृति। तो श्रुति जो है नॉर्मली हम वेद को ही बोलते हैं, वेद जो है वो श्रुति है। उसके अलावा जितने भी याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, पुराण हो गया, ये सारे स्मृति हैं, क्योंकि ये स्मृति ग्रंथ हैं, किसी के मेमोरी से ये डेवलप हुए हैं। जबकि श्रुति जो है गुरु के सामने बैठा, गुरु ने सुनाया, सुनकर के हमने याद कर लिया, तो इसको श्रुति कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है। वेदांत क्यों कहा गया है, क्योंकि उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। ठीक है, इसे आध्यात्मिक मानसरोवर कहा जाता है। आध्यात्मिक मानसरोवर मतलब देखिए मानसरोवर जो होता है एक लेक, ठीक है ना, जहां पे कहा जाता है कि राजहंस वैसा हंस जो कि दूध पीने वाला हंस है वो हंस पाया जाता है। तो आध्यात्मिक मानसरोवर है, तो बेसिकली ये पवित्रता का प्रतीक यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अध्यात्म के लिए जो भी अध्यात्म में जो है मुक्त होना चाहते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उनके लिए उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्थान त्रयी ग्रंथ के अंतर्गत यह आता है। मैंने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन को डेवलप करने के लिए आदरणीय जो हमारे वादरायन जी थे, उन्होंने देखा कि ब्रह्म सूत्र से जो है कंप्लीट वेदांत दर्शन नहीं बन रहा, तो उन्होंने दो ग्रंथों को और शामिल किया। एक था उपनिषद और दूसरा था आपका श्रीमद् भागवत गीता। तो उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों को मिलाते हैं तो बनता है प्रस्थान त्रयी। मतलब क्या, इन तीनों को अगर आप पढ़िएगा तो संसार से आप प्रस्थान कर जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। ठीक है, उपनिषद को बोलते हैं श्रुति प्रस्थान, गीता को बोलते हैं स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को बोलते हैं न्याय प्रस्थान। कुछ इस तरह का जो है बात कही गई है। यूनिट नंबर फर्स्ट में इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना ही है। सबसे ऊपर उपनिषद है, उपनिषद के नीचे ब्रह्म विद्या आता है, उसके नीचे था जिज्ञासाओं के ऋषियों ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर। ठीक है ना, तो उपनिषद में ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई है। ब्रह्म विद्या डेवलप कैसे हुआ, तो किसी के मन में जिज्ञासा आया, जब जिज्ञासा आया तो जिज्ञासा का समाधान करते हुए जो है ये विद्या डेवलप की गई। और उस सारे के सारे जितने भी भारतीय दर्शन है, जो भी आपके नौ भारतीय दर्शन है, छह आस्तिक और तीन नास्तिक, तो इन नौ दर्शनों का जो मूल स्रोत है वो उपनिषद से ही आता है। ठीक है, तो ये बात आ गई है। तो देखिए जिज्ञासा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग की बात की गई है। अगर आप उपनिषद देखेंगे तो सारे उपनिषद में कोई ना कोई प्रश्न कर रहा है और कोई ना कोई उसका जवाब दे रहा है। तो ये हो गया आपका ऐसा। ठीक है, उपनिषद। अब उपजोर नीजोर सद से मिलता है, तो उपसर्ग जो है उप और नी है, और सद जो है गति, इसमें क्विप प्रत्यय लगा है।
प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। तो उपनिषद शब्द में उप और नी जो है उपसर्ग है और सद जो है इसका गति, सद मतलब होता है गति, और कृप जो है वो प्रत्यय, संस्कृत का कुछ टर्म है यहाँ पे, प्रत्यय बाद में लगा हुआ है तो इससे बनता है। गति शब्द का उपयोग है ज्ञान गमन और प्राप्ति के लिए। जो सद है, सद जो है इसका मूल जो शब्द है वो गति है, और गति का तीन अर्थ बताया गया है संस्कृत व्याकरण में, एक कहते हैं ज्ञान, दूसरा कहते हैं गमन और तीसरा है प्राप्ति। इन तीनों संदर्भों में सद का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, किसी ने निकाला है कि जिस विद्या के द्वारा परम ब्रह्म का सामिप्य हो एवं तदत्तम्य प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद है। मतलब जो परम ब्रह्म है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उससे आप उसके नियर आप पहुंचते हो, उसके समीप आप पहुंचते हो एवं तदत्तम्य प्राप्त किया जाता है तो वह उपनिषद है। ठीक है, सद धातु का तीन अर्थ है, विसरण, गति और अवसादन। ठीक है ना, सद जो धातु है उसके तीन अर्थ है, विसरण, विसरण मतलब होता है एक तरह से, विसरण मतलब फैलना, गति मतलब होता है ज्ञान और प्राप्ति, अवसादन मतलब होता है शिथिलीकरण। तो इस आधार पर उपनिषद का अर्थ हुआ जो पाप ताप का नाश करे, जो सच्चा ज्ञान प्रदान करे और आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को शिथिल करे वह उपनिषद है। ठीक है, तो विसरण मतलब नाश करने की बात यहां पे हुई, सॉरी, तो विसरण मतलब नाश करना। तो जो पाप और ताप का नाश करता है, पहली बात, जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करे, गति मतलब ज्ञान है तो सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को शिथिल करे, मतलब जो भी आपका इग्नोरेंस है उसको क्या करे, उसको शिथिल करे, वह उपनिषद है। उपनिषद को परोक्ष या रहस्यमय ज्ञान के स्रोत भी कह सकते हैं। जो उपनिषद है उसको हम कह सकते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि हमें इंद्रियों से अनुभूति होती है, एक होता है परोक्ष ज्ञान जो कि इंद्रियों से हम देख नहीं पाते बट वो होता है। तो परोक्ष ज्ञान या रहस्यमय ज्ञान का स्रोत भी कहा गया। तो जो भी आपका मिस्टिकल नॉलेज है उसका सोर्स जो है वो उपनिषद को कहा गया है। उप मतलब होता है सामिप्य अथवा व्यवधान रहित, नी मतलब होता है विशिष्ट या संपूर्ण, और सद मतलब होता है ज्ञान या बोध। तो सामिप्य द्वारा विशिष्ट बोध अथवा व्यवधान रहित संपूर्ण ज्ञान, यही उपनिषद का मतलब है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मैंने बताया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो उपनिषद का अर्थ है वो यही है। ठीक है, उप मतलब सामिप्य मतलब नजदीक, नी मतलब जो होता है विशिष्ट या संपूर्ण, और सद मतलब होता है ज्ञान। तो पास में बैठ करके जो है आपको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो, विशिष्ट बोध प्राप्त हो, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है यही सबसे फेमस अर्थ है उपनिषद का। अब हम बात करते हैं जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके वह उपनिषद है। उपनिषद के बारे में और कहा गया है कि जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके, तो जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट नॉलेज है, उसका साक्षात्कार किया जा सके, उसको उपनिषद कहते हैं। विषय वस्तु क्या है भाई उपनिषद की, तो पूछता है कई बार कि बताइए उपनिषद का विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु है इसका आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मस्वरूप, आत्मज्ञानी का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है, ये सारी बातें जो है विषय वस्तु है उपनिषद की। मुख्य रूप से आत्मविद्या पे केंद्रित है उपनिषद, मुख्य रूप से आत्मविद्या, और आत्मविद्या ही ब्रह्म विद्या है। सबसे पहले हम आत्मविद्या प्राप्त करते हैं, जानते हैं हु एम आई, और जैसे ही हमें पता चलता है कि हु एम आई, वैसे ही पता चलता है कि जो मैं हूं वही पूरा संसार में है, सर्व खल्व इदम ब्रह्म। उपनिषदों का वर्गीकरण क्या है भाई, तो देखिए उपनिषद जो है पांच प्रकार के इसका हम कर सकते हैं। ऋग्वेदीय उपनिषद है जो कि 10 है, सबसे कम जो उपनिषद है वो ऋग्वेद में है। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद 19 है, 19। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद 32 है, सामवेदीय 16 और अथर्ववेदीय 31। तो सबसे ज्यादा जो उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है, 32 उपनिषद। अगर आप अपने सिलेबस में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद सबसे ज्यादा है और ऋग्वेद के सबसे कम है। ऋग्वेद के मात्र 2 उपनिषद अपने सिलेबस में है, एक नाद बिंदु उपनिषद और एक ऐत्रीय उपनिषद। ठीक है, तो ये है। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो है वह 10 उपनिषदों का भाष्य किया। तो वो 10 उपनिषद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद कहे गए हैं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। वो क्या है, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक के प्रश्न, ऐत्रीय, तैत्रीय, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद, जो कल मैंने बताया भी था। अब जो है 3 और उपनिषदों का जो है उन्होंने भाष्य किया था, अदर देन दिस 10 उपनिषद 3 और उपनिषद थे, जिसमें से जो आपके सिलेबस में है वह श्वेताश्वत्रो उपनिषद, दूसरा उपनिषद है कौस्तिकी उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये 3 उपनिषद एक्स्ट्रा थे जिसपे की शंकराचार्य ने भाष्य किया था। तो कई बार पूछ लेता प्रश्न की बताइए कि 10 उपनिषद के अलावे जो है वो नेक्स्ट उपनिषद कौन से है जिसका कि शंकराचार्य ने भाष्य किया, तो श्वेताश्वत्रो उपनिषद,
कौस्तिकी उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये तीन नेक्स्ट उपनिषद है जिसका के शंकराचार्य ने भाष्य किया। अब जो है उपनिषदों का रचना काल, तो जो उपनिषद का रचना काल है मुख्य रूप से माना जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल है 300 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषदों की रचना हुई, पूर्व वैदिक काल में आपका जो है वेदों की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल में जो है ये रचना की गई है। अब हम बात करते हैं ईसावास्य उपनिषद की। तो जो ईसावास्य उपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेदी के वेद के कान्व शाखा का 40वां अध्याय है। तो कान्व जो है ऋषि का नाम है, ठीक है ना। कण्व ऋषि पता है कौन थे? आपको पता होगा शकुंतला के पिताजी का नाम था आई थिंक कण्व ऋषि, और शकुंतला के बेटा का नाम था भरत, और उसी के नाम पे अपने भारत देश का नाम पड़ा भरत, भारत, ठीक है। तो शकुंतला का बेटा था शकुंतला और दुष्यंत का बेटा, कान्व ऋषि की पुत्री थी शकुंतला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों का रचना काल जो है 300 ईसा वर्ष से पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। अब ये कान्व शाखा का 40वां अध्याय है। आपसे पूछेगा कोई कि कहां से लिया गया ईसावास्य उपनिषद, तो शुक्ल यजुर्वेद के कान्व शाखा का 40वां अध्याय है जो कि ज्ञान कांड पे आधारित है। मैंने कल बताया था कि शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 40 में से 39 जो थे वो कर्म कांड के थे, एक ही अध्याय था ज्ञान कांड, इसलिए जो है ये उपनिषद बना। इसको प्रथम उपनिषद भी माना जाता है, ऑब्वियस सी बात है, कल मैंने बताया था इसको फर्स्ट उपनिषद कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ईस से इसको शुरू किया गया, ईसावास्य मिदम सर्व। अब जो है ओम ही पूर्ण है, वह पूर्ण से भी पूर्ण है, जिसमें पूर्ण भी निकाले तो वह पूर्ण रहता है। तो इस उपनिषद की जो शुरुआत हुई है वो हुआ है पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, शुरुआत यहीं से इस उपनिषद का होता है। अगर आप देखेंगे इस उपनिषद को पढ़ेंगे तो कहा गया है कि जो ओम है, ओम यानी कि वह ब्रह्म, वह पूर्ण है, और उससे जो बना संसार है वह भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण अगर हम निकाल लेते हैं तो भी पूर्ण बचता है। तो उस ब्रह्म से जो है हजारों लाखों करोड़ों संसार जो है डेवलप हो सकता है, ऐसी बात कही गई। फिर भी उस ब्रह्म में जो है तनिक सा फर्क नहीं होता। जैसे एक समुद्र है, समुद्र में से कितना भी बाल्टी या पानी निकाल लो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम बात जो है उस ब्रह्म के साथ भी है। इसका मुख्य वेह मुख्य जो वाक्य है वो दो है। पहला जो मुख्य वाक्य है वो है कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजि विशेष सतम समाह। मतलब कर्म को करते हुए आप जो है जिजीविषा के साथ मतलब स्वस्थ रहते हुए जो है कर्म करते हुए 100 साल जीने की बात कही गई है। ये मुख्य वाक्य है इसका। सोहम अस्मि, सोहम अस्मि भी इसका मुख्य वाक्य है। 16वें नंबर श्लोक में इसकी बात की गई है, और पहले से दूसरे नंबर में जो है कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीविषेत सतम सता समाह की बात की गई है। उपनिषद के प्रथम श्लोक में ईसावास्य शब्द आने के कारण इसे ईसावास्य उपनिषद कहा गया है। तो कोई पूछेगा इसे ईसावास्य उपनिषद क्यों कहा गया है? क्योंकि फर्स्ट जो इसका वर्स है उसके अंदर ही ईसावास्य शब्द आता है। ईश्वर जगत के कण कण में व्यापक है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये उपनिषद के प्रथम श्लोक में ईसावास्य आया, इसलिए हमको ईसावास्य उपनिषद कहते हैं। ईश्वर जगत के कण कण में व्यापक है, उसी का सब है, अनासक्त भाव से भोग करो। तो सबसे पहले ये मान लो कि संसार में जो कुछ भी है ऐसा नहीं कि हम कमाए तो मेरा ही है, सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। और ईश्वर जो है कण कण में व्यापक व्याप्त है। कण कण में व्याप्त है मतलब कि कोई भी एक सिंगल एंटिटी नहीं है जो कि ईश्वर में उसमें व्याप्त ना हो। तो हर जगह ईश्वर है एक, जो इससे हमारे अंदर आस्तिकता का भाव डेवलप होता है, उस शब्द का अनासक्त भाव से भोग करो। इसलिए सोच करके, ये सोच करके भोग करो कि ये सब मेरा नहीं है, जितना तुमको आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता के अनुसार जो है भोग करो, ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार भोग करो, ऐसी बात कही गई है, ठीक है। एक मिनट ठीक है, तो ये जो है आपका कहा गया है कि जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, सब कुछ ईश्वर का ही है, इसलिए थोड़ा होश में रहा कीजिए और फालतू का जो है घमंड नहीं किया कीजिए कि हम तो अरबपति है, हम तो खरबपति है, हम तो ये है, हम तो वो है।
इस तरह की बात बताई गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अनासक्त कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, इससे कर्म में नहीं फंसते। तो अनासक्त कर्म अगर आप कीजिएगा तो अनासक्त कर्म करते हुए आप 100 साल जिए, कोई दिक्कत नहीं, संसार को फायदा ही फायदा, ठीक है ना। और अगर आप अनासक्त कर्म करेंगे तो आप कर्म में फंसेंगे भी नहीं। कई लोग क्या होते हैं कि कर्म करते हैं और कर्म में फंस जाते हैं, पहले जो है काम करना शुरू किया और काम में इतना ज्यादा वो बिजी हो जाते हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं ना किसी का, और अंत में जो है सब कुछ खत्म हो जाता है, परिवार भी खत्म हो जाता है, घर भी खत्म हो जाता है, परिवार भी खत्म हो जाता है, और अंत में रोते हैं कि अरे मैं कहाँ चला गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ऐसे करना है। ईश्वर का वर्णन करते हैं नेक्स्ट में, कहते हैं आसक्त भाव से कर्म करने से असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। तो अगर आप आसक्त भाव से कर्म करेंगे तो आप असुर की प्रसिद्ध, जो असुरों का जो प्रसिद्ध है, जो बिल्कुल फेमस है, जो असुरों में भी फेमस है, देखिएगा कितना ऋषि ने कितनी जबरदस्त बात कही है कि असुर जो होते हैं, एक तो असुर खराब है ही, लेकिन असुरों में भी सबसे मूर्ख असुर है, जो सबसे गंदा असुर है, उसको उसके योनि में आपको भटकना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आसक्त कर्म ना कीजिए। ईश्वर अचल होकर के भी मन से अधिक वेगवान है, मतलब ईश्वर चलता नहीं है लेकिन फिर भी जो है वो माइंड से भी तेज है, समझ गए ना, बहुत फास्ट है। जैसे पंखा अगर बहुत, जैसे एरोप्लेन बहुत तेज चलता है, कभी आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगता है एरोप्लेन तो खड़ा ही है, ठीक है। तो एरोप्लेन बिल्कुल स्थिर दिखता है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, समझ गए ना। तो ये बात बताई गई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर कहता है कि उन्हीं की शक्ति से वायु आदि देवता, वायु यहाँ पे मातृश्वा कहा गया है, तो मातृश्वा ध्यान रखिएगा, वायु देवता को मातृश्वा कहा गया है, जल वर्षा आदि कार्य संपन्न करते हैं। तो जो भी ईश्वर अपने काम करते हैं, अग्नि जी जो है अग्नि दे रहे हैं, सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, वो सब किसके प्रेरणा से दे रहे हैं, तो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से दे रहे हैं। ईश्वर चलते हुए भी नहीं चलते, ईश्वर घूम रहे हैं लेकिन नहीं घूम रहे हैं, दूर होकर के भी समीप है, अंदर भी है और बाहर भी है। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पैकेट में जो है एक सुई को मैं रख लूं और मैं बोलूं कि ये मेरा सुई खो गया, तुम पूरा दुनिया में ढूंढो, अब पूरा दुनिया ढूंढ लोगे, क्या आपको सुई मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि वो जो सुई है हमारे पॉकेट के अंदर ही है, तो क्या आपको कहीं जाने की जरूरत है? नहीं जाने की जरूरत। तो बस यही बात यहाँ पे समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपके लिए ईश्वर बहुत दूर है, इन मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, यहाँ वहां ढूंढते रहिएगा, और जैसे ही आपको ज्ञान हो गया वैसे ही ईश्वर आपके सबसे समीप है। तो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सभी प्राणियों को देखता है, तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, उसके लिए कोई मोह शोक नहीं रह जाता, ठीक है ना। यहाँ पे वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में क्योंकि मेरे को नोट्स छोटा छोटा करना था। तो जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है, मतलब जितने भी प्राणी है, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, जानवर, चियार, जो भी है, उन सब के अंदर ईश्वर को देखता है और ईश्वर के अंदर ही वो सब कुछ है, ये बात देखता है, तो वह किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। न विजगुप्सते, तो विजगुप्सा मतलब होता है घृणा, तो यहाँ पे न जोड़ दिया, मतलब वो घृणा कभी नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए कोई मोह शोक नहीं रह जाता, कोई भी मोह, कोई भी शोक नहीं रह जाता उसके लिए, ठीक है। तो वह जो है हमेशा मस्त रहता है, खुश रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता क्योंकि वो किसी से घृणा नहीं करता। आपको किसी से नफरत है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दुश्मन है, तभी तो आपको राग और द्वेष सताता है, आपको समझ में आ जाए कि सब एक ही है, सब उतना ही प्यारा है, तो आपको कभी घृणा किसी से नहीं होगी। फिर ईश्वर के गुण बताया है कि ईश्वर जो है शुक्रम, अकायम, अवर्णम, अस्नाविरम, शुद्रम, अपाप वृद्धिम विद्रिम, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू होकर अनादि काल से सब प्राणियों की कर्मा के अनुसार रचना करते आए हैं। तो ईश्वर के गुण बताए, शुक्रम मतलब होता है परम तेजोमय, मतलब इससे ज्यादा किसी का औरा नहीं है, सबसे तेजमय है। अकायम मतलब होता है शरीर के बिना, अपर्णम मतलब होता है छिद्र रहित, कोई छिद्र उसके अंदर नहीं है, कोई कमी नहीं है। अनास वीरम मतलब होता है स्नायु रहित, स्नाविरम, ठीक है ना, स्नायु होता है ना, तो स्नाविरम, तो स्नायु रहित मतलब उसके अंदर नस नाड़ी नहीं है। तो भाई ये बताइए, कई लोगों को हम इंसान को देवता मान लेते हैं कि अरे भाई ये तो फलना जी महाराज जो है वो तो ईश्वर है, तो कैसे भाई, ईश्वर तो नाड़ी रहित है।
तो उपनिषद जो चतुर्थी पॉइंट बात करता है, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे ना तो कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी जो है आप किसी व्यक्ति को ईश्वर मान ही नहीं सकते, क्योंकि उपनिषद डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है, कभी इधर उधर बात नहीं करता। तो नस नाड़ी रहित है ईश्वर, कवि, कवि मतलब सर्वद्रष्टा, जो कहते हैं ना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, तो ईश्वर जो है वो सर्वद्रष्टा है। मनीषी यानी कि सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप, मतलब सब कुछ जानने वाला है, स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, मतलब स्वयं ज्ञान ही है। परिभू यानी कि सर्वप्रति परिनियंता, परिभू मतलब क्या होता है, सब कुछ को नियंत्रित करने वाला जो है परिभू, स्वयंभू मतलब स्वेच्छा से प्रकट होने वाला, तो जो खुद चाहता है तो प्रकट होता है और खुद नहीं चाहता तो नहीं प्रकट होता। तो ये जो है ईश्वर के गुण है, पूछ लेगा आपसे, संस्कृत में भी पूछ सकता है और हिंदी में भी पूछ सकता है, तो आपको सुक्रम अकायम एटलीस्ट आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अनाविरम अस्नाविरम है यार, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, तो ये सारे इसके गुण है। अनादिकाल से सभी प्राणियों के कर्म के अनुसार रचना करता है, तो जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपकी रचना होगा। जैसे आप धन को बहुत एकत्रित किए हुए हैं और धन पे जो है कुंडली मार के बैठे रहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो अगला जन्म में जो है और किसी को देते नहीं है, आदमी सामने आपके मर रहा है फिर भी आप अपने धन को खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो अगले जन्म में आपको सांप में जन्म मिलेगा। सांप क्या करता है, कुंडली मार के बैठा रहता है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा लालच है, बहुत ज्यादा लालच है, तो अगले जन्म में आप लोमड़ी बनेंगे, ठीक है ना। तो लोमड़ी जो है बहुत लालच होता है, तो जिस तरह की आपकी वृत्ति होती है उसी तरह का अगला जन्म आपको मिलता है, ऐसी बात कही गई है। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट जो भी है सो ऐसा ही है। फिर जो है विद्या और अविद्या की बात करते हैं, तो जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं अंधकार में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो सही काम नहीं कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो कि काम क्रोध मोह लोभ मद और मात्सर्य में जो है, जिसको हम षट रिपु कहते हैं, उसके अंदर फंसा हुआ है, बिल्कुल ही अटैच्ड है चीजों से, वो अंधकार में है भाई। उसको आप कहिएगा कि एक काम करो ना, चलो ना कुछ अच्छा काम करके आते हैं, कोई किसी से आसक्त है, किसी को अपने पत्नी से आसक्ति है, अब बोलिएगा कि चलो भाई युद्ध करने चलते हैं, तो कहेगा नहीं यार मेरे को तो कहीं नहीं जाना, मुझे तो है एक कहावत है, कौन सा एक कविता है बड़ा अच्छा सा कविता है, उर्वशी कविता है, ठीक है ना, उर्वशी एक कविता है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर जो है वो पुरुरवा है, उसमें एक राजा है और उर्वशी जो है उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, तो कहते हैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, समझ गया ना। तो इस तरह की बात कहते हैं और कहते हैं पर न जाने बात क्या है, जब तुमको मैं देखता हूं तो मैं जो हूं, जो कि अपने को बहुत मैं तेजस्वी हूं, इंद्र का जो आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो इंद्र का भी वज्र को झेल सकता है, वह जो है तुम्हारे प्रेम में जो है बिल्कुल ही हद, मतलब क्या कहते हैं, शक्तिहीन हो गया, कुछ इस तरह की बात बताते हैं। तो ये आसक्ति इतनी खतरनाक होती है कि इंसान जो है कुछ कर ही नहीं पाता, तो ये जो आसक्ति है इसको बात यहाँ पे बताई गई, आसक्ति वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है, उपासना करते हैं अंधकार का, अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन जो विद्या में रत रहते हैं, यानी कि मिथ्या अभिमान, अरे मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, वो इससे भी बड़े घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अरे जो मूर्ख है उसको तो पता भी नहीं वो गलती कर रहा है, लेकिन जो जान रहा है चीजों को, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और घमंड में चूर है, फॉलो नहीं करता कुछ भी, उठता है 10 बजे लेकिन बोलता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं, अरे तेरी का ब्राह्मण, तो वो क्या है भाई, वो घोर अंधकार में जाएगा। इसलिए धूर पुरुषों ने क्या कहा है, ज्ञान और कर्म, अविद्या को यहाँ पे कर्म से लिया है और विद्या को जो है ज्ञान से लिया है। तो जो धीर पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वह ज्ञान और कर्म दोनों का अनुष्ठान में अलग अलग फल बताए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कर्म का उपासना करते हैं तो आप अंधकार में जाएंगे, ज्ञान का उपासना करते हैं तो और अंधकार में जाएंगे। लेकिन जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जान लेता है, मतलब क्या, जो कर्म को भी जान लिया, जो ज्ञान को भी जान लिया, दोनों को टुगेदर जान लिया, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है। मैंने कल बताया था कि जिसने कर्म को जान लिया, यानी कि हमें निष्काम कर्म करना है, तो कर्म ही जो है हमें जन्म और बंधन की मृत्यु में फंसाता है। तो जो कर्म को जान लिया, कर्म के मर्म को समझ लिया, वो मृत्यु को पार कर गया, और जब वो मृत्यु को पार कर गया तो वो जो है ज्ञान के द्वारा जो है वह अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो विद्या जो है यहाँ पे ज्ञान है और अविद्या कर्म है। अब फिर बात है 12 नंबर श्लोक में जो है संभूति और असंभूति की बात की गई है। संभूति मतलब होता है समान भाव से जो हो, जो हमेशा इक्वल हो, जो हमेशा कभी चेंज नहीं होता हो, जो अनचेंज्ड रियलिटी है, दैट इज संभूति। और असंभूति जो समान रूप से नहीं रहेगा, जो मतलब जो है समान नहीं रहता, मतलब जो चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, उसको असंभूति बोलते हैं।
तो संभूति मतलब अविनाशी परमेश्वर और असंभूति मतलब विनाशशील देवता पितृ जो भी है, जिसका विनाश हो सकता है वह असंभूति है और जिसका विनाश नहीं हो सकता वह संभूति है। तो जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं यानी कि जो उपासना करते हैं वह अंधकार में जाते हैं और जो संभूति में रक्त प्रवेश करते हैं तो क्या करना है आपको, भी सही है सेम रिपीट किया है। फिर यहां पे कहते हैं जो संभूति और असंभूति दोनों को साथ साथ जान लेता है, मतलब एक साथ टुगेदर सिंक्रोनसली, ठीक है ना, जैसे होता है ना कि एक साथ दोनों चल रहे हैं, साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो वो साथ साथ जो जान लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, असंभूति से मृत्यु को पार कर लेते हैं और संभूति से अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तो अमृत की प्राप्ति दो चीजों से होती है, एक तो विद्या से होती है और एक संभूति से होती है, और जो है यहाँ पे बताया गया, और असंभूति जो है इससे जो है आपको अंधकार मिलेगा और जो अविद्या है उससे भी अंधकार मिलेगा। फिर श्लोक नंबर जो 15 है वो बात करता है ईश्वर के स्वरूप की बात करता है, कहता है ईश्वर सत्य स्वरूप का है, सत्य स्वरूप ईश्वर सत्य स्वरूप जो है का मुख हिरणमय पात्र ज्योतिर्मय सूर्य मंडल से ढका हुआ है। जो ईश्वर का मुख है वो किससे ढका हुआ है, हिरणमय न पात्र न, मतलब ज्योतिर्मय सूर्य मंडल से जो है ढका हुआ है। सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे लिए अपने आवरण हटा लीजिए। तो जो सत्य धर्म का अनुष्ठान करते हैं वो क्या करते हैं, ये आवरण को हटाइए, और जैसे ही ये आवरण हटता है तो सोहम अस्मि, हे ईश्वर सूर्य स्वरूप प्रजापति अपनी रश्मियों की किरण अथवा तेज को एकत्र करे या हटा लीजिए। हटाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं वह मैं ही हूं, सोहम अस्मि। तो जैसे ही जो ये आवरण है ईश्वर के ऊपर लगा हुआ उस आवरण को हटाते हैं तो हमें लगता है कि सोहम अस्मि। और अंतिम जो मंत्र है यज्ञ मंत्र 18वां में कहते हैं ओम अग्ने नय सुपथाराय अश्वान विश्वानि देव वयुनानि विद्वन योधस्मत जुहरान मेनो भूष्ठाम ते नमोक्तुम विधोम। तो यहाँ पे कहा गया सब व्यक्त वस्तुओं को जानने वाले हे अग्निदेव हमें सुपथ से उत्तम मार्ग से आनंद की ओर ले चल, पाप का कुटिलता पूर्ण आकर्षण हमसे हटा दे दूर कर दे, तेरे प्रति अंतर मन की सर्वांग पूर्ण वाणी हमें निवेशित करें, ठीक है ना। तो हमें क्या करें, अंतर मन में जो है समर्पण और सर्वांग पूर्ण मतलब जो है ऐसी वाणी दीजिए जिसको हम मतलब विनम्र वाणी हमें दीजिए ऐसी बात कहते हैं। तो अग्नि से जो है नेक मार्ग पर चलाने की प्रार्थना करते हैं 18 नंबर श्लोक में, ठीक है ना। ये हिरण्यमय न पात्र ना बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोग तो इसको याद कर सकते हैं और रोज चैंट कर सकते हैं, हिरण्यमय न पात्र सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्म यभिष्टये। इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है ईशावास्य उपनिषद हमने समाप्त कर लिया। इसमें हमने मुख्य रूप से बात की, शुरुआत में हमने बात की कि कर्म करो 100 साल तक करो लेकिन त्याग करके भोग करो, अपना समझ के भोग नहीं करना, सारे सृष्टि में ईश्वर विराजमान है। उसके बाद देखा ईश्वर जो है मन से तेज है और नहीं चलते हुए भी अचल है और चलते हुए भी अचल है और जो है वह स्थिर रहते हुए बहुत चलायमान है और चलायमान रहते हुए भी स्थिर है, वह आपके बहुत दूर भी है और बहुत नजदीक भी है ऐसी बात बताई गई। उसके बाद ईश्वर के गुण बताया गया, उसके बाद जो है विद्या अविद्या की चर्चा की गई, कहा गया कि विद्या से अंधकार और सॉरी घोर अंधकार और अविद्या से अंधकार की प्राप्ति होती है, दोनों को साथ साथ जानोगे तो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा जो है आप अमृत को प्राप्त कर लोगे। ऐसे ही संभूति और असंभूति की बात हुई, असंभूति मतलब विनाशशील, संभूति मतलब जिसका विनाश ना हो। उसके बाद जो है हमने देखा कि जो ईश्वर का मुख है वो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, जैसे ही उस पात्र को हम हटाते हैं तो हमें सोहम अस्मि की प्रतीति होती है, और अंत में जो है अग्नि देवता की प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पे जो है आपका ईशावास्य उपनिषद समाप्त होता है। कोई डाउट है ईशावास्य उपनिषद में आप लोगों का तो पूछ लीजिए। नहीं सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ क्लियर है, बहुत खूबसूरत। तो अभी जो है अभी मैं जल्दी से केन उपनिषद भी खत्म कर दूं। सूत्र बाय सूत्र आपने अच्छे से बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सर। हाँ ये मेरी नहीं है एक्चुअली, जो मेरे को जो मेरे जो टीचर ने मुझे पढ़ाया था वो अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है कौन सा वीक है ये मेरे टीचरों पे डिपेंड करता है, तो सारा श्रेय टीचर को जाता है, मैं तो भाई ऐसे ही हूँ जो भी हूँ। चलिए ठीक है, आइए केन उपनिषद भी छोटा सा उपनिषद है, उसमें दो मुख्य बातें हैं, दो मुख्य बात है बस, उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं।
लेकिन कि छोड़ दूं, जैसा बोलो, जल्दबाजी नहीं करते, छोड़ भी सकता हूं मैं। अच्छा, आज 13 बच्चे भी आए, कल ज्यादा बच्चे थे, तो एक काम करते हैं, थोड़े से ना 8:38 हो गया, चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ सर, कल पे रखो ना, कल मतलब सर अभी छोड़ दे केन उपनिषद, सब एक ही उपनिषद करे सर। हाँ हाँ ठीक है, ओवरव्यू आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मतलब खाली इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लाइक, मतलब ऐसे ओवरव्यू देना दिया हुआ होता ना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर वो और अच्छे से समझ में आ जाता, जैसे कल ईशावास्य का दिया था ना। जी 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 राइट राइट मैम, आज है ना बहुत अच्छे से समझ में आया। जी जी जी, अगर ओवरव्यू खाली देख के छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं और भी बता दूं, मैं ओवरव्यू देता हूं उससे पहले, कि धर्मेंद्र जी जो है बहुत ज्ञानी आदमी है, लेकिन बहुत मासूम आदमी है, समझ रहे हैं बात को? जी है, बहुत ज्ञानी लेकिन बहुत मासूम है, और बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, तो जल्दबाजी के कारण जो है उनका अटक जा रहा है, बार बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, बट वो अच्छे ज्ञान रखते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना, अगर थोड़ा सा खराब भी पढ़ाएं तो मतलब थोड़ा टॉलरेट करना, ठीक है ना? अगर खराब भी पढ़ाएंगे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, अच्छे के लिए हाँ ठीक है ना, और ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे थोड़े ना, मैं अगर किसी को दे रहा हूँ क्लास तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है ना? जी सर, वो अच्छा करेंगे, अच्छा बताएंगे, और बाकी जो भी होगा वो देख लेंगे हम, कोई अगर डाउट भी होगा तो विल डिस्कस आफ्टर मैं क्लास, जब मैं शुरू करूंगा सैटरडे को आई थिंक क्लास में लूंगा, क्योंकि कल तो मैं ट्रेन ही रहूंगा, तो परसों okay, मैं क्लास लूंगा, ठीक है? तो वो देख लेंगे। तो देखिए, जो केन उपनिषद है ये शुरू होता है केन से, केन का मतलब होता है प्रश्न, केनेसितम, यहां से शुरू होता है, केनेसितम करके शुरू होता है, तो केन मतलब होता है क्वेश्चनिंग, तो सबसे पहले जो है केन उपनिषद हमें क्वेश्चनिंग सिखाता है, समझ गया ना? ये सामवेद से लिया गया है, ऑल्सो उन्होंने जो ब्राह्मणो उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, तलवकार उपनिषद, इसके चार नाम है सामवेद से लिया गया केन उपनिषद के, अगर कोई ब्राह्मणो उपनिषद भी बोले तो केन उपनिषद की बात कर रहा है, अगर जैमिनी उपनिषद बोले तो भी वो बोला, तलवकार उपनिषद बोले तो ये भी वही है, तो यहाँ पे जो है ये तलवकार शाखा से लिया गया है, सामवेद के तलवकार शाखा से लिया गया है, इसलिए इसको तलवकार उपनिषद भी बोलते हैं। इसमें चार अध्याय है, 4 चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो गुरु शिष्य संवाद है और ब्रह्म चेतना के प्रति जिज्ञासा है, मतलब ब्रह्म क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात की गई है, और लास्ट के जो 3-4 चैप्टर है वो देवताओं की अभिमान मर्दन की बात करते हैं, देवताओं का अभिमान मर्दन की बात करते हैं। तो पहले अध्याय में जो है गुरुदेव उसके शिष्य जो है प्रथम में कहता है केनेसितम, तो केनेसितम से शुरू हुआ ये, तो इसे इसका नाम पड़ा केन उपनिषद, फर्स्ट वर्ड से इसका नाम पड़ गया केन उपनिषद। अब ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे हैं, तो पूछता है क्या कि भाई देखो ये जो कान है वो कैसे सुनता है, तो आप तो बोलिएगा, हम लोग उसे पूछे कान कैसे सुनता है, तो हम बोले हैं कि देखिए भाई कान के अंदर जो है ना वो नर्व होता है, जिसको ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और जब वेव्स हमारे कान से टकराता है तो वो वेव्स का जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो ब्रेन में जाता है और कान सुनता है। लेकिन यहाँ पे जो जिज्ञासा पूछी जा रही है वो ब्रह्म के जिज्ञासा से पूछी जा रही है कि कान कैसे सुन पाता है, मन का मन कौन है, मतलब मन का मन समझ रहे हो, मन का मन मतलब जो माइंड है उसकी मनन करने की क्षमता, जो मन में विचार करने की क्षमता आती है वह कैसे आता है, ठीक है ना? मन का मन, वाग इंद्रिय का वाणी, हम बोल तो रहे हैं लेकिन वाणी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, हम एफर्ट तो कर रहे हैं, कई सारे लोग बोल नहीं पाते, तो ये वाणी आ कहाँ से रहा है, तो वाणी का वाणी कौन है, वाग इंद्रिय की वाणी, प्राण का प्राण यानी कि जो प्राण है उसको संचालन करने वाला कौन है, चक्षु का चक्षु यानी आंख जो है, आंख किसकी शक्ति से देख पा रहा है, आंख है इसकी शक्ति खत्म हो जाती तो लोग का आंख रहता है लेकिन लोग अंधे हो जाते, वो दिख नहीं पाता उनको, तो चक्षु का चक्षु कौन है, ठीक है? अर्थात जो इन सब का कारणभूत तत्व है, धीर पुरुष इस लोक से जाते हुए अमर हो जाते हैं, तो जो बेसिकली कहते हैं धीर पुरुष यानी कि जो चक्षु स्रोत्र मन आदि की आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, यानी कि जो भी इंद्रियां हैं धीर पुरुष से कहा गया है जो इंद्रियों से प्रभावित नहीं होते, तो जो इस तत्व को जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, ठीक है ना? धीर पुरुष जो है इस लोक में जाते हुए एक होते हैं। तो पूछा है कि ये बताओ कि कान का कान कौन है, आंख का आंख कौन है, मन का मन कौन है, प्राण का प्राण कौन है, और वाग इंद्रिय का वाग कौन है, तो फिर बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे है, मतलब जो भी नोन है और जो भी अननोन है उन सबसे परे जो है वो ब्रह्म है,
समझ गए? तो आप बताइए, ये बताइए, आप लोग शंकर भगवान को जानते हो? जानते हो? अरे कुछ जी सर, हाँ सर जानते हैं। हाँ, जानते हैं तो फिर आप ब्रह्म को नहीं जानते, का मतलब क्योंकि ब्रह्म जो है नोन और अनोन से परे। समझ गए? तो जो बाबा भी बोलते हैं कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, वो बाबा झूठ बोल रहे हैं। केन उपनिषद में साफ साफ कहा है कि जो जानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ब्रह्म को नहीं जानता। समझ गए ना? जो ये जानता है कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, वह ब्रह्म को जानता है। सर इसलिए तो कोई जवाब नहीं दे रहा था मैं, इसलिए तो कोई जवाब नहीं दे रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन सब लोग मंदिर में जाते होंगे और कई लोगों का अभिमान हुआ कि मैं तो ब्रह्म को जानता हूँ। अरे चलिए कोई नहीं, अभी कभी ना हम लोग कभी ना जीवन के लिए उपनिषद पढ़ेंगे। पिछले बार हालांकि मैंने क्लास लिया था कि उपनिषद फॉर लाइफ, और वहां पे इस विषय, हाँ तो उसमें हम इस 20 विषयों पे चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रह्म जो है ज्ञात, हाँ ब्रह्म ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से परे है। मतलब जो भी नोन और अननोन है उन दोनों से परे जो है वो ब्रह्म है, जो सुप्रीम रियलिटी है। जब भी मैं ब्रह्म कहूं तो सुप्रीम रियलिटी, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो आपको समझना है समझ लो, ठीक है ना। उपनिषद जो है किसी धर्म का नहीं है विशेष, इसमें किसी शंकर भगवान, दुर्गा भगवान का नाम नहीं लिया गया, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं इंद्र बिंद्र का नाम आया है, वो भी दूसरे सेंस में आया है। इंद्र भी जो नाम आया है ना, वो इंद्र भगवान के सेंस में नहीं आया है, वो दूसरे सेंस में आया है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो आप बताएंगे कि इंद्र क्यों कहा गया। जब हम ऐत्रेय उपनिषद पढ़ेंगे ना तो वहां पे बताया गया है कि इंद्र क्यों कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय उस तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हम जो भी भगवान को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वो अपनी इंद्रियों से करते हैं, और जो इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रिय ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती। उसे समझने की क्षमता हमारे बुद्धि में है नहीं है, तो ईश्वर को समझने की क्षमता जो है हमारे अंदर है ही नहीं, किसी के व्याख्या से भी नहीं समझ सकते। अगर कोई समझा रहा है ईश्वर को, जैसे मैं भाषण दे रहा हूं कि भक्तो ईश्वर ऐसे होते हैं, तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि किसी समझाने से ईश्वर समझ आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ईश्वर तो फिर है कौन, दिमाग घूम गया शिष्य का। फिर पूछा तो कहा कि जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपुति वाणी ही जिसकी महिमा प्रकट होती है, महिमा से प्रकट होती है। मतलब जिसके बारे में वाणी से बोल नहीं सकते, लेकिन जो वाणी है उसी की महिमा से प्रकट होती है। अगर ईश्वर नहीं है तो उसकी महिमा से प्रकट नहीं होगा। तो जो वाणी की महिमा से प्रकट होती है उसे तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। मतलब जो बोला हुआ है, बोलते ना ओम भर्गोस्तु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, ईश्वर नहीं है भाई, वाणी से नहीं बोल सकते। उसी तरह से कहा सेम फॉर मन, जिसका मन नहीं किया जाता, जिसका मन नहीं किया जाता। देखिए मन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि मन जिससे विचार करता है वो नहीं, मन जिसकी महिमा से विचार कर पाता है वह ब्रह्म है, ठीक है ना। और ईश्वर को जो है मनन नहीं किया जा सकता, मतलब ईश्वर के बारे में सोचा नहीं जा सकता। देखिए कितना जो है सारे के सारे जो भी हमारे अंधविश्वास है सबको ध्वस्त कर देता है अकेला केन उपनिषद। बहुत जबरदस्त उपनिषद है, समझ गया ना। फिर कहता है चक्षु के द्वारा देखा नहीं सकता। देखो ऐसे चक्षु जिससे देख रहा है उससे नहीं ईश्वर को जान सकते, बल्कि चक्षु जो है ईश्वर की महिमा से देख ही पाता है, ठीक है ना। ईश्वर की महिमा से चक्षु देख पाता है, तो चक्षु से जो है ईश्वर को देख नहीं सकते। इसी तरह श्रोत्र, तो कान जिससे सुन रहा है ईश्वर के बारे में सुन हम नहीं जान सकते, क्योंकि कान सुन ही पाता है ईश्वर के कारण। अगर ईश्वर ना हो तो कान सुन ही नहीं पाएगा, ठीक है, और सुन के भी उसको जाना नहीं सकता। प्राण के द्वारा जो प्रेरित नहीं है, तो प्राण में प्रेरणा होती है, प्राण जो है हमारे बॉडी को चलाता है, हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं, जो भी काम कर पाते हैं वो प्राण से कर पाते हैं। तो प्राण जिसकी महिमा से ये सब काम कर पाता है दैट इज गॉड, और प्राण के द्वारा भी जो है यह ईश्वर जो है वो प्रेरित नहीं होता, मतलब प्राण से भी इसका कुछ नहीं है। ब्रह्म की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि ब्रह्म को तुमने जान लिया तो तुम ब्रह्म को बहुत अत्यल्प जानते हो, मतलब बहुत कम जानते हो, नहीं के बराबर जानते हो। अत्यल्प, अल्प भी कह सकता था, लेकिन उपनिषद में कितनी जबरदस्त शब्द शैली लिखा है अत्यल्प, यानी कि बिल्कुल कम। हम ब्रह्म को जानते हैं अथवा नहीं जानते, दोनों ही उत्तर अपूर्ण है। अगर कोई बोला कि मैं ब्रह्म को जानता हूं वह भी अपूर्ण है, और कोई बोला कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वह भी अपूर्ण है। तो दोनों क्या है, अपूर्ण है। जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वह ब्रह्म को जानता है। जिसको यह बात पता है कि ब्रह्म को हम जान नहीं सकते,
वो जो है वो क्या करेगा, उसको ये पता है कि भाई चलो जानने अभिमान रहते पुरुष को वह जाना हुआ है। तो जो जानता है कि ब्रह्म को नहीं जान सकते वही ब्रह्म को जानता है, जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है। जिसके अंदर ये अभिमान नहीं कि मैं ईश्वर को जानता हूं, उसके लिए ईश्वर जाना हुआ है, ठीक है ना। देखते ना सबरी क्या थी, सबरी जो थी बेचारी मस्त रहती थी, पागल की तरह करती थी, जूठा बेर ईश्वर के लिए रखी हुई थी। जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी को लगा कि ये पागल लड़की है, ये बस जूठा बेर खिला रही है, मेरे को पागल बना देगी, वो नहीं खाए लेकिन राम खा लिए, ठीक है ना। तो जिसको अभिमान नहीं है किसी चीज का वह ईश्वर को जानता है। तो कोई भी अगर आपको सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन को जानना हो तो देखिए अपने लिए आसन लेके चलते हैं, उसी आसन पे बैठेंगे जहां पे भी बैठेंगे, समझ गए ना। तो जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, दैट इज कॉल्ड गॉड, वह लोग जो है जानने वाले, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। अब परम ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग कहा है कि वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो नॉलेज के द्वारा जो है, बोध के द्वारा जो है, हम ईश्वर को जान सकते हैं, ऐसी बात बताया गया है। आत्मज्ञान बल को प्राप्त करता है, ठीक है ना, अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मज्ञान से जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इस जन्म में, और उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसने यथार्थ पा लिया। जिसने भी जो है इस जन्म में ईश्वर को पा लिया उसे नहीं जान पाया तो महती हानि, मतलब बहुत बड़ी हानि है। अगर ईश्वर को आपने नहीं जान पाए तो बहुत बड़ी हानि बताई गई है। बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक तत्व में उस परमात्मा सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक में प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। मतलब जो सब है, अब जो है यक्षोपाख्यान है, मतलब कि यक्ष जो ब्रह्म ने जो है देवों को निमित्त बना करके असुर विजय और देवों को अभिमान हो गया। क्या होगा कि ब्रह्म की शक्ति से जो है एक बार जो है देवता लोग जो है असुरों पे विजय प्राप्त कर ले तो घमंड में आ गए, मैं तो बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि एक बार जो है एक व्यक्ति प्रकट हुआ, एक बहुत बड़ा एकदम जबरदस्त शक्ति उसके अंदर थी, इतना प्रकाश था कि उसके सामने हजारों सूर्य फैल थे, और इंद्र को घमंड था। इंद्र ने कहा कि अग्नि जाओ देख क्या वो व्यक्ति कौन है। वो गया और घमंड से बोला अग्निदेव की, ए तुम कौन हो। तो बोलता है तुम कौन हो, तो बहता कहता कि मैं जात वेदा हूं, मैं जो हूं सबकी जाति बदल देता हूं, मेरे अंदर जो भी आएगा उसको मैं भस्म कर दूंगा। ऐसे बोलते हैं अग्नि। यक्ष ने पूछा क्या शक्ति है तुम्हारी, तो कहता है कि मैं इस पृथ्वी को भस्म कर दूं। तो जो ब्रह्म थे उन्होंने क्या कहा कि ये लो तिनका रख दिया, कहा कि इसको भस्म करके दिखाओ। अग्नि पागल हो गए, मतलब पूरा अपनी ताकत लगा दी, उस तिनके को जला नहीं पाए, तो शर्मिंदा होकर के वहां से फिर चले आए। इंद्र जी थोड़ा सा सोचे कह रहे क्या है भाई, तो इंद्र जो है फिर वायु को भेजे। वायु भी क्या कहा, घमंड से बोला कौन हो तुम, तो बोला कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तो कहते कि मैं मातृस्वा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अग्नि को जात वेदा कहा है और वायु को मातृस्वा कहा है, सब कुछ उड़ा सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कोरवट में लिखा हुआ है, कहानी जो है ना, मैंने पूरा कहानी लिखा, मैंने लिखा वायु देवता मात्र असमर्थ हो गए, मतलब मैंने वो फ्लो चार्ट में बनाया, तो ऐसे ही वो कह रहा है, ठीक है। तो वो कहे और वो भी जो उस तिनके को उड़ा नहीं पाए, अंत में जो है वापस आए। तो इंद्रदेव को जो है बुरा लगा, कह रहे इंद्र क्या है भाई। तो इंद्र गए, इंद्र गए आपकी बार, तो इंद्र जी को पहुंचते हैं, यक्ष जो है अंतर ध्यान हो गया और आकाश में स्थित। तो जब अंतर ध्यान हो गए तो देवी हेमवती कहा गया है, हिमालय पुत्री उमा देवी, ठीक है ना, देवी भगवती हेमवती जिसको हिमालय कहते हैं, उमा देवी के पास गए, पूछा कि यह ठीक है, निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से सबसे पहले जान लेने से इंद्रादि देवगण अन्य देव की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जो है ब्रह्म को बहुत नजदीक से देखें, इसलिए जो अग्नि है वायु है और इंद्र है ये देवों में श्रेष्ठ है। ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली चमकने और पलक झपकने जैसा होता है, समझ गए ना। कैसे होता है, बिजली चमका आया और गया, पलक झपका मतलब कब झपकता है पता नहीं चलता, इसी तरह ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत ऐसे ही मिलता है। ब्रह्म को तद्वन नाम से प्रसिद्ध है, तद्वन कहा गया है ब्रह्म को किन उपनिषद में, तो तद्वन कहा गया है, जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है उसे सब प्राणी प्रिय मान लेते हैं। तो जो ब्रह्म को जान लेता है उसे कहते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है। तो ये है, आप लोग कभी दिल्ली जाएं
तो दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर है और अक्षरधाम मंदिर में यही कहानी को वहां पे जो है बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसको होलोग्राफी बोलते हैं। तो होलोग्राफी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको दिखाया जाता है, एक शो बहुत जबरदस्त शो है, उसमें यही कहानी दिखाया जाता है, समझ गए ना। तो आप लोग कभी जाना वहां तो देखना। तो हमने केन उपनिषद भी खत्म ही कर लिया है, बट फिर भी मैं नेक्स्ट बार जब आऊंगा, आत्मबल कृष्ण ने दिया आत्म ब्रह्म का ज्ञान देकर हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी ने बोल दिया, ऐत्रेय उपनिषद में भी तद्वन कहा गया ब्रह्म को, तो तद्वन ये याद रखिएगा नाम। और शाम की क्लास जो है वो धर्मेंद्र जी लेंगे, तो धर्मेंद्र जी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज का और कल का क्लास आपको लेना है रात का, मैं नेहा मैम को बोल दूंगा उस समय से क्लास शुरू कर देंगे और धर्मेंद्र जी को होस्ट बना करके वो आउट हो सकती है। तो चलिए ठीक है, आज हमने पढ़ा दोनों उपनिषद, ध्यान से पढ़ा समझा, अब हम बाद में इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और रिवाइज करते रहना, हालांकि मैं रिवीजन भी कराऊंगा क्योंकि मेरी छुट्टी हो गई है, अब मेरा बस एक काम है पढ़ना और पढ़ाना, दूसरा कोई काम नहीं है। तो अगले 20 दिन तक केवल मैं पढ़ाई करूंगा और अगले 20 दिन जो मेरे साथ मेहनत कर लेगा वो डिसाइड करेगा कि JRF उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं भी खूब मेहनत करूंगा और आप लोग भी खूब मेहनत करो, ठीक है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, हैप्पी जर्नी सर, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सर। हाँ हाँ चलिए ठीक है, धर्मेंद्र जी बहुत प्यारे हैं भाई, बोल रहे हैं सर गलती हो गई तो मैं बोला कोई बात नहीं, गलती कोई नहीं, गलती करके ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना है, कोई माँ के गर्भ से जो है टीचर पैदा नहीं लेता, ठीक है ना, सबको इसी धरती पे आते सीखते हैं, जूम क्लास पे सीखते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवति, जी सभी को प्रणाम, हैव अ नाइस डे जी, थैंक यू।